हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं, कलेक्टर महोदय को राज्य शासन ने ये अधिकार दे रखा है कि जिन विद्यालयों की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी आरटीई के मापदंड की पूर्ति न होने के कारण जो समाप्त करेंगे उसकी अपील 45 दिन के अंदर माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ करना है। और हमने 110 विद्यालय जो हमारे अनुसार आरटीई के मापदंड की पूर्ति नहीं करते हैं उनको पत्र दिया गया है कि आप इनकी कमियों की पूर्ति करके और अपील कर सकते हैं माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ। उन्होंने अपील किया है कुछ विद्यालयों ने, जिन विद्यालयों ने अपील किया है उनकी जांच भी चल रही है। यदि वो जांच की पूर्ति हो जाएगी तो कलेक्टर महोदय विचार करेंगे इस पर कि मान्यता दी जाए कि न दी। अभी कितने स्कूलों की मान्यता निरस्त की गई? अभी 110 विद्यालय की मान्यता समाप्त हुई। सर किस तरह के मापदंड होते हैं कुछ थोड़ा पता? मापदंड में तो पहला तो ये है कि विषयवार प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए। 2009 से आरटीई लागू हुआ और अभी तक छूट थी इसमें। भारत सरकार MHRD ने अशासकीय विद्यालय के जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मौका दिया था, और जो मार्च 19 तक 100% प्रशिक्षित शिक्षक नहीं रख पाए हैं ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त हुई है। जिनके पास पर्याप्त अध्यापन कक्ष नहीं है उनकी मान्यता समाप्त हुई है। जिनके पास पर्याप्त शौचालय नहीं है, साफ सुथरे शौचालय नहीं है, व्यवस्थित शौचालय नहीं है उनकी मान्यता समाप्त हुई है। जहाँ पेयजल शुद्ध पेयजल नहीं है उनकी मान्यता समाप्त हुई है। जिनके पास खेल मैदान नहीं है उनकी मान्यता समाप्त हुई है। और कुछ जो किरायानामा नहीं दे पाए भवन का या खेल मैदान का उनकी मान्यता समाप्त हुई है।